व्यूअर्स, वेलकम टू डैडीज किचन, दिस इज होम शेफ हनी। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी पंजाबी स्टाइल में। वैसे तो यूपी बिहार में और ऑल ओवर इंडिया आलू मटर बनते हैं, बट पंजाबी स्टाइल में आलू मटर कैसे बनते हैं वेरी टेस्टी, आइए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ लिया हमने 200 ग्राम मटर और 300 ग्राम आलू, जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया। मसाले में चाहिए होगा हमें एक बड़ा प्याज, एक बड़ा देसी टमाटर, एक हाइब्रिड टमाटो बड़ा, 50 ग्राम धनिया, एक टीस्पून जीजा गाली पेस्ट, 5 लहसुन की कलियां और आधा इंच जिंजर, अदरक लहसुन प्याज को ग्रेट कर लेंगे और ऐसे टमाटर को आधा काट के छिलका इसका डालेंगे और उसको फिर ग्रेट कर लेंगे। यहाँ प्याज अदरक लहसुन को बारीक बारीक काट लेंगे और टमाटर आधा आधा करके हम इसको भी ग्रेट कर लेंगे, बड़ी साइड से छिड़के से अलग कर लेंगे। इसी में अपना अदरक लहसुन प्याज भी डालेंगे। यहाँ हमने कुकर ले लिया, कुकर में डाला 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और इसको हम जला लेंगे। ऑयल हमारा जल चुका है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, डालेंगे अपना जो हमारा पेस्ट बनाया रखा हुआ है। इसको हम 5 मिनट के लिए सौते करेंगे। अगर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे हरी मिर्च डालता नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बच्चों को पसंद नहीं है स्पाइसी। अब 2.5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर इसको मोड़ चलाएंगे, थोड़ा सा मसाला और चुका लेंगे अपना। डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 3/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, आप डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रॉक साल्ट और आधा कटोरी पानी, ताकि मसाला जलेना। इसमें डालेंगे हम अपने मटर और इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे, अराउंड अबाउट 3 to 4 मिनट। 3 मिनट हमारे हो गया, इसमें आप डाल के हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे और इसमें डालेंगे 300 ग्राम पानी। 1 मिनट हो चुका हमारा सौते करते हुए, 300 ग्राम पानी डालकर उसको कुकर को बंद कर देंगे। इसको बंद कर देंगे और 5 मिसल हाई फ्लेम पर दिलाएंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे नहीं और इसको अपने आप स्टीम निकाल लेंगे। जब तक हमारे मिसल लगते तब तक हम छोटे छोटे धनिया काट लेंगे। आलू पराठा हमने यहाँ पे आटा गूंथ दिया है सॉफ्ट सा, जिसमें हमने अजवाइन लगाया और नमक मिलाया। अब हम इसके पराठे बना लेंगे। तब अब हमने तवा रख लिया है, यह हमने पराठे के लिए लोहिया बेल लिया, डालेंगे थोड़ा सा फैला लेंगे, इसको रोटी काटेंगे और इसको हम गोल गोल घुमाते पराठे की शक्ल दे देंगे, लट्ठे पराठे की। पराठे के लोहे तैयार हो गए हैं, इनको हम बेलेंगे और हमारी 5 सीटी भी लग चुकी हैं और कुकर को खोल देंगे। ये लोहिया हमने बेल लिया, उसको डालेंगे तवे पे। एक साइड से मैंने ये पराठा सीख गया, इसको टर्न कर लेंगे, उसको ऑयल लगाएंगे अभी ऊपर। अब हमारे दूसरी साइड सीख गया, उसको पराठे को टर्न कर देंगे। ये हमने सारे पराठे बेल लिए हैं और सेकंड साइड भी हमारी सीख गया अच्छी तरीके से, पराठे को सीख लेंगे दो साइड से। एक पराठा हमारा सीख गया, दूसरा पराठा डाल देंगे। पराठे को ऑयल लगाकर कैसरोल में रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, डालेंगे अपना धनिया। इसकी कंसिस्टेंसी जैसी मर्जी रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें 200 ग्राम पानी डालूं थोड़ा सा पता करने के लिए और इसके बॉयल आने तक हम इसको वेट करेंगे, उसके बंद कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हम सर्व करेंगे कटे हुए प्याज के साथ और लच्छे पराठे के साथ। व्यूअर्स, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वेट फॉर द नेक्स्ट रेसिपीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।